हेलो स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो नंबर एट एंड वी विल डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज ट्रांसफार्मर विच इज रिपीटेडली आस्ड इन बोर्ड एग्जाम इन थ्री और फाइव मार्क्स इफ इट कम्स विद अ न्यूमेरिकल इट कम्स इन फाइव मार्क्स एंड इफ इट इज डायरेक्ट एज इन द फॉर्म ऑफ अ आर्टिकल देन इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ थ्री मार्क क्वेश्चन सो इजिएस्ट टॉपिक है ये इस यूनिट का और ये फिनिश आउट करेगा इस यूनिट को लेट अस स्टार्ट अ ट्रांसफार्मर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेसिकली यूज़ टू चेंज ए सी वोल्टेजेस चेंज में अब दोनों चीज़ें आती हैं इंक्रीज भी एंड डिक्रीज भी अगर हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो वी विल यूज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ़ वी वॉन्ट टू डिक्रीज द ए सी वोल्टेज वी विल यूज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों की कंस्ट्रक्शन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है नंबर ऑफ टर्नस का स्टेप अप में सेकेंडरी में टर्नस ज़्यादा होंगे स्टेप अप में प्राइमरी में टर्नस ज़्यादा होंगे ठीक है स्टेप अप में सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होंगे स्टेप डाउन में सेकेंडरी में टर्न्स कम होंगे ठीक है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज वेन एवर देर इज अ फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कोयल देन एन इंड्यूस्ड इंड्यूसड इज डेवलप्ड इन सेकेंडरी कोयल एंड आउटपुट लेने के लिए सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस क्या लगाया गया है लोड रेजिस्टेंस आर एल सो कंस्ट्रक्शन पढ़ लें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती हैं और दोनों में अलग अलग टर्न्स होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों ही कॉयल्स को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड किया गया है ताकि मैग्नेट जो फ्लक्स का कंसेप्ट रहे वो फ्लक्स इंड्यूस स्ट्रांग हो एनर्जी लॉसेस से बचने के लिए जो कोर है लेमिनेटेड आयरन कोर की फॉर्म में हमने इसको यूज किया है एंड इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी दिया गया है और जो आउटपुट है वो हमने किसके क्रॉस लिया है लोड रेजिस्टेंस एल अस मूव टू द थ्योरी एंड वर्किंग पार्ट अस स्टार्ट विद विद इट इट। ई एम एफ जो हमने सप्लाई किया प्राइमरी कॉइल को वो एसी की फॉर्म में सो इट इज ई पी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे हमने प्राइमरी कॉइल को एसी का सप्लाई दिया तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा चेंज होगा किस में आयरन कोर में ये आयरन कोर क्योंकि आप अगर फिगर में देखें प्राइमरी से सेकेंडरी तक एक्सटेंडेड है तो जो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा उतना ही फ्लक्स किसका चेंज होगा सेकेंडरी का और फेरेडे क्या कहता है जब सेकेंडरी का या किसी भी प्राइम कोयल का फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ई एम होता है दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल सो अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ ऑफ ई इंड्यूस पर सेकेंडरी में क्या रहेगा ये कैसा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब इसमें एनर्जी लॉसेज नहीं होंगे इंड्यूस्ड ई एम एफ पर टर्न कितना होगा डी फाइव बाई डी टी दी बाय क्या होगा एन पी इज इक्वल टू ई एस बाई एन एस ई एस की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी आ गई ई पी इंटू एन एस एन पी इसमें कोई मैथमेटिक्स डेरीवेशन नहीं है सच थ्योरेटिकल ज़्यादा है एंड कंसेपचुअली एन एस बाई एन पी को मैंने एक नाम दे दिया के से डिनोट कर दिया और इसको एक प्रॉपर नेम दे दिया नेम क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होगा अगर इस के की वैल्यू वन से ज़्यादा है तो एन एस की वैल्यू एन पी से ज़्यादा हुई यानी सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा हुए तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप अगर के की वैल्यू लेस देन वन है फिगर में देखो तो किस में टर्न्स कम हुए सेकेंडरी में डाउन हो गए ना टर्न्स तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर फिगर दिखाया हुआ है आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिया था तो उसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे एनर्जी लॉसेस या पावर लॉसेस सेम होते हैं इसका मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या रहेंगे सेम नॉट टू वरी ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस ये इधर वाला कॉलम स्टेप अप का है इधर वाला कॉलम स्टेप डाउन का है अब क्योंकि स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ जाती है तो कौन सी बड़ी ई एस ई से बड़ी है तो भाई लेकिन ये इक्वालिटी भी तो होल्ड करती है एडल ट्रांसफार्मर तो इसका मतलब आई क्या होगा देखो ई कम है तो इधर वाला आई बड़ा होगा ना तभी तो इक्वालिटी ये होल्ड करेगी तो इसका मतलब जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रहा है इसीलिए लिखा है यानी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज बोलो लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा हाई में ये लिखा हुआ है और हाई करंट को किस में कन्वर्ट करेगा साइमल्टेनियसली लो में सो वट एवर वी गेन इन वोल्टेज जितनी वोल्टेज बढ़ी है जिस प्रपोर्शन में उतना ही करंट उस प्रपोर्शन में डिक्रीज होता है सो so गेन तो वोल्टेज होगी लूज क्या होगा करंट होगा स्टेप डाउन में क्या बात करेंगे हम कहेंगे कि ई क्योंकि ई से बड़ा है तो आई उल्टा होगा आई क्या हो जाएगा बड़ा यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है लेकिन लो करंट को हाई करंट में सो so, क्या लिखेंगे वॉट एवर वी लूज इन वोल्टेज वी गेन द करंट इन सेम रेशो फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए इस ब्रैकेटेड फार्मूला को री लर्न रखना है के क्या होती थी ट्रांसफॉर्मर रेशियो सेकेंडरी बाय प्राइमरी सेकेंडरी बाय प्राइमरी वोल्टेजेस ठीक है लेकिन करंट इन्वर्स रेशियो में होता है चेक करो ईपी और आईपी का इन्वर्स रेशियो है ईएस और आई एस का इनवर्स रेशियो है इफ़ वी कैलकुलेट द एफिशंसी ऑफ सच ए ट्रांसफार्मर इट इज डिनोटेड बाय नीटा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर तो पावर क्या होती है वी आई मतलब ई आई ई एस आउटपुट सेकेंडरी के थ्रू लेंगे ना ई एस आई एस बाई ई पी आई पी के लिए हंड्रेड होते हैं लेकिन जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसकी हंड्रेड से कम होती है और रेंज कितनी होती है नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन परसेंट अब हमने कुछ कंसेप्चुअल्स उठा लेने हैं एनर्जी लॉसेज डिस्कस करते हैं इसमें हम यहाँ से जो ये पाँच पॉइंट्स हैं यहाँ से कंसेप्चुअल बन गए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है पहला है कॉपर लॉस हमने जो कॉयल ली थी वो कॉपर की ली थी तो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल जो कॉपर की बनी होती है उसमें हीटिंग इफेक्ट मेटल क्या होता है ना कॉपर तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो पावर है वो या एनर्जी है वो लॉसेज हो जाते हैं इसको मिनिमाइज किया जा सकता है कॉपर लॉस को कैसे अगर हम थिक कॉपर वायर यूज़ कर लें थिक कॉपर वायर से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा लो कैसे आर इज़ इक्वल टू रो एल बाय ए अगर एरिया ज़्यादा होगा मतलब वायर कैसा हो थिक तो आर क्या हो जाएगा बोलो कम हो जाएगा तो पावर क्या होती है चेक करें आई स्क्वायर आर तो आर अगर कम हो गया है तो पावर लॉसेस भी क्या हो जाएंगे कम नेक्स्ट इज एडी करंट्स की वजह से लॉस एडी करंट्स को लॉस समझते हैं आप इंड्यूस्ड करंट जो होते हैं आयरन कोर में तो लेमिनेटेड आयरन कोर हमने यूज़ किया है टू मिनिमाइज़ एडी करंट्स देन इज हिस्टेरिसिस लॉस हिस्टेरिसिस लॉस भी आप समझते हैं आयरन कोर में बार बार उसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने से हीट की फॉर्म में लॉसेस होते हैं हिस्टेरिसिस लॉस और हमने इसीलिए ऐसे मटेरियल यूज़ किए हैं जिनका हिस्टेरिसिस लूप एरिया क्या हो कम हो तो उसके लिए हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है आयरन कोर नेक्स्ट है फ्लक्स लीक भी कर सकता है अभी तक तो हमने आइडल ट्रांसफार्मर में क्या लिया था कि फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या था सेम लेकिन कई बार फ्लक्स क्या कर जाता है लीक तो उससे भी एनर्जी लॉसेज होते हैं हम इसकी लीकेज को रोक सकते हैं कैसे रोक सकते हैं कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल को एक दूसरे के ऊपर वाउंड कर दें तो उससे लीकेज जो है वो रुक जाएगी हमिंग लॉसेस क्या होते हैं आपने देखा है कई बार आप चल रहे हो रोड पे तो जब ट्रांसफार्मर लगा होता है खंभे पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं गली के कोने पे एरियाज़ वाइज होते हैं वो तो वहाँ पर एक वॉइस uh, प्रोड्यूस करता है वो तो वो ही एनर्जी लॉसेज हमिंग मतलब जो जैसे मधुमक्खी होती है